आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन स्लाइडर। ये चिकन चीज स्लाइडर है, ये खाने में इतना लाजवाब होता है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो आप ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। ये मैंने 1.25 किलो मैदा ले ली हूँ। इसमें 2 बड़े चम्मच मैं तेल डाल रही हूँ। ये मिल्क पाउडर है, ये भी 2 बड़े चम्मच है। थोड़ा सा नमक, इंस्टेंट ईस्ट, शक्कर, 2 अंडा, इन सभी चीज़ों को मैं डाल के अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। अब ये मैं नीम गरम पानी से आटे को सान रही हूँ। अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं हो है तो आप लिक्विड दूध का यूज़ कर सकते हो। उसको पानी की जगह पे आप लिक्विड जो दूध आता है उसका भी यूज़ कर सकते हो, और मिल्क पाउडर को स्किप कर दीजिएगा अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो। इस तरीके से हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसको अच्छी तरीके से डो तैयार कर लेंगे, जैसे हम लोग रोटी के लिए डो बनाते हैं उसी तरीके से हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसको एकदम चिकना सा डो बना लेंगे। ये देखिए मैं कितने अच्छी तरीके से इसको सान ली हूँ आटे को। अब ये मेरा आटा रेडी हो गया है। इसको चिकना करके मैं इसमें थोड़ा सा तेल लगा के इसको 3 से 4 घंटे के लिए अभी रख दूँगी, क्योंकि बारिश का मौसम है, थोड़ा ठंडा मौसम है। ये देखिए 4 घंटा हो गया है और हमारा आटा देखिए कितना ज़्यादा हो गया, डबल से भी ज़्यादा हो गया, कितना अच्छा सा राइस हो गया ये। अब इसको फिर से हम इसकी हवा सारी निकाल के इसको वापस से चिकना कर लेंगे। इस डो से आप पिज़्ज़ा बना सकते हो, ये पिज़्ज़े का ही डो है। अब मैंने एक बेकिंग ट्रे में तेल लगा ली हूँ अच्छी तरीके से। अब इसमें की लोइयाँ बना बना के मैं इसमें रख दूँगी 1 बराबर की। ये देखिए इस तरीके से हम लोई बना बना के रख लेंगे, जब तक कि मैंने अपने ओवन को 180 डिग्री पे प्री हीट कर ली हूँ 10 मिनट के लिए। इस तरीके से मैंने अपना सारे बना के रख ली हूँ बॉल। अब इसको 10 मिनट के लिए मैं रेस्ट दे दूँगी। ये देखिए 10 मिनट हो चुका है, अब ये रेस्ट कर लिया है। अब इसको मैं ओवन में डालने जा रही हूँ। 10 मिनट के लिए मैं ओवन में डाल दूँगी। ये थोड़ा कच्चा पक्का होएगा तभी मैं इसे निकाल लूँगी, मैं आपको निकाल के दिखाऊँगी। ये देखिए अब बन रहा है, ये कितना फूक गया है ऊपर तक का, ये देखिए आधा कच्चा पक्का ये हमारा हो गया है। जब तक ये ठंडा होएगा हम अपनी स्टफिंग की तैयारी करते हैं। दूसरी तरफ ये मैंने कढ़ाई में तेल गरम होने के बाद ये एक बड़ी साइज़ की प्याज बारीक बारीक कट करके डाल दी हूँ। बस इसको मैं 2 मिनट तक का भून लूँगी। इसके बाद मैं ये देखिए मैंने चिकन ली हूँ, उसको मैंने उबाल के छोटे छोटे
पीसेस में कर ली हूँ। ये छोटी साइज़ की शिमला मिर्च मैंने छोटी छोटी कट कर ली हूँ। मायोनीज, नमक, लाल मिर्च पाउडर, ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, सोया सॉस, लहसुन पाउडर, काली मिर्च पाउडर। अब मैं चिकन डाल रही हूँ और इसको मिक्स कर देंगे प्याज के साथ में अच्छी तरीके से। अब मैं शिमला मिर्च डाल रही हूँ। हम इन सभी चीज़ों को है ना 2 से 3 मिनट तक का ही भुनेंगे ताकि शिमला मिर्च का क्रंचनेस जाना नहीं चाहिए। ये मैंने लहसुन पाउडर डालने के बाद काली मिर्च का पाउडर डाल दी हूँ, नमक, अब हम डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर। इन सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मैं मिक्स कर लूँगी। हमें ज़्यादा इसे नहीं पकाना है क्योंकि हमारी सारी चीज़ें पकी हुई हैं, बस मसाले को भुनना है। अब मैं सोया सॉस डाल दी हूँ, अब इसको 1 मिनट तक पका लूँगी मैं और बस हमारी स्टफिंग रेडी हो जाएगी। हमारी स्टफिंग रेडी हो गई है। अब मैं चूल्हे को बंद कर रही हूँ इस टाइम पे, और चूल्हे को मैं बंद करने के बाद ये अपना मायोनीज डाल रही हूँ और इसको भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। हमारी स्टफिंग एकदम अब रेडी है। अब मैं इसे पाँव को है ना कट कर लूँगी आधे पे से। ये देखिए मैंने कट करके उसको वापस से ट्रे में बिछा दी हूँ। ये थोड़ा थोड़ा कच्चा है इसलिए क्योंकि अभी मैं इसको 10 से 12 मिनट के लिए वापस से पकाऊँगी। ये मैंने सॉस लगा ली थी टोमेटो सॉस, ये मैं अब प्रोसेस चीज़ डाल रही हूँ इस पर। अच्छी तरीके से मैंने प्रोसेस चीज़ को ग्रेट करके इस पर डाल दी हूँ। अब इसके ऊपर मैं मेरी जो स्टफिंग तैयार की थी वो डाल रही हूँ। इसको भी अच्छी तरीके से पूरे पे लगा देंगे। अब ये मैं इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ लगा रही हूँ। इसको अच्छी तरीके से हम मोज़रेला चीज़ को लगा देंगे सब तरफ। और ये ऊपर से मैं पाँव का दूसरा टुकड़ा भी रख दी हूँ। अब मैं दूध के अंदर शक्कर मिला के इसको ब्रश कर रही हूँ। आप चाहो तो अंडा भी ब्रश कर सकते हो, लेकिन आज मैं दूध के ऊपर थोड़ा सा शक्कर पाउडर डाल दी थी और इसको अच्छी तरीके से ब्रश कर लूँगी। ये देखिए अच्छी तरीके से लगा दी हूँ। अब मैं इसमें तिल लगा रही हूँ, सफ़ेद तिल है ये, इसको डाल रही हूँ। आप अगर खाते हो तो अब डाल दीजिए, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हो। और इसको मैं वापस से ओवन में डाल रही हूँ 12 मिनट के लिए 180 डिग्री पे। ये देखिए 12 मिनट हो चुका है, हमारा चीज़ स्लाइडर एकदम बन के रेडी हो चुका है। ये खाने में इतना टेस्टी है कि आप बर्गर का टेस्ट भूल जाओगे। तो एक बार ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, और वीडियो के नीचे लाइक का बटन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा।